हेलो बच्चों मैं हूं विजय सर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज न्यू इंडियन एरा पे स्टूडेंट हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज इलेवेंथ मैथ्स का चैप्टर नंबर टू ट्रिग्नोमेट्री वन उसका लेक्चर जीरो देखने वाले हैं ये जीरो स्माइल के साथ क्यों क्योंकि सब कुछ आप लोगों को समझने वाला है अगर बच्चों हर एक चीज आपको अच्छे से समझती है तो वीडियो को जरूर लाइक और आपका कमेंट दे सकते हो कमेंट सेक्शन में उसी से हमको भी पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है तो चलो स्टार्ट करते लेक्चर जीरो का बेसिकली काम क्या रहता है आपका प्रीवियस ईयर मतलब 10th, अभी आप बैच में हो 12th का वीडियो होता तो इलेवेंथ का बेसिक क्लियर कराता था अब आप लोग किसमें इलेवेंथ का पढ़ रहे हो मतलब टेंथ का और ट्रिगो है तो नाइन्थ में भी ट्रिगो था उसका थोड़ा बेसिक करवाऊंगा मैं लेक्चर जीरो में और और एक्सरसाइज आपका

कौन कौन है उनका नाम क्या है सर साइन थीटा, थीटा, टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा थीटा एंड सेन्थ में हमने जब पढ़ाया या फिर आपको जिसने भी पढ़ाया है वो इसी फॉर्मेट में पढ़ाया रहेगा फिक्स है साइन थीटा कॉस्थेटा टैन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉर्थ थीटा इस फॉर्मेट का एक ही बेनिफिट था वो बेनिफिट क्या था वो बेनिफिट क्या था साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है का रेसिप्रोकल होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है मतलब मतलब कोसेकॉन साइन 1 अपॉन tan थे यही एक बेनिफिट था और इसके अलावा कुछ नहीं था लेकिन मुझे पता है मुझे पता है टेंथ खत्म होते होते ये कौन किसका रेसिप्रोकल है ये बच्चों को याद हो जाता है तो उसका तो टेंशन नहीं है कौन किसका रेसिप्रोकल है वो याद हो जाता है तो ये फॉर्मेट में याद रखने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है इलेवेंथ में हम लोग एक नया फॉर्मेट याद करेंगे इन्हीं छह लोगों को बोलने का क्या है वो फॉर्मेट साइन थीटा थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इसका बहुत सारा फायदा है इस फॉर्मेट में याद करने का बहुत सारा फायदा है एक अलाइड एंगल करके कंसेप्ट है 90 पे चेंज 270 पे चेंज 180 पे वहां से भी आपको मिलेगा फिर ट्वेल्थ में इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स आपका

आगे बढ़ जाते हैं कि कॉट कैसे मिलेगा टेन का रेसिप्रोकेट कर दो सेक कॉस का और कोसेक साइन का बराबर क्या बोला आई थिंक समझा है चलते अभी नाइन्थ में जो पढ़े हो नाइन टेंथ में जो पढ़े हो वो चीज पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा तो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम लिख देता हूं ए बी सी ये 90 डिग्री रहेगा देखो लेक्चर जीरो है ऐसा हो सकता है बहुत लोगों को ये सब चीज पता हो ऑपोजिट एडजस्टेड में मैं फॉर्मुला बताना चाह रहा हूं बराबर लेकिन ऐसा होगा कि क्योंकि हम भी पढ़े हमारे दोस्त लोग भी ऑप्शन में डाल देते दे थे दे दे ड्रिगो को आपके बैच में भी या तो आप या तो आपके फ्रेंड्स कोई ना कोई डाला ही रहेगा इसको ऑप्शन में ड्रिगो को लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ में अपनी मजबूरी है ऑप्शन में डालने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है तो पहले का नॉलेज तो होना चाहिए ना इसीलिए ये एकदम बेसिक से बेसिक चीजें मैं कवर करूंगा ए दिया है बी दिया है सी दिया है एक एग्जाम्पल के तौर पे इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, इस एंगल को बोल दिया तो तीन होता है ना, तो 90 के वाला हम लोग बोलते हैं 90 के वाले को बोलते हैं हाइपोडेनस और थीटा के सामने वाले को बोलते हैं अपोजिट साइड थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं अपोजिट साइड जो बच गया बाजू वाला जो बच गया उसको बोलते हैं हम लोग Adjacent साइन तो हमारा साइन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन adjacent अपॉन हाइपोडेनस एंड एंड tan थीटा एंड टेन थीटा आपका होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टेन थीटा क्या होता है अपोजिट अपोजिट

कोसेक और सेक इन्हीं तीनों का रेसि कोसेक इधर से, सेक इससे और कोट इससे समझ गया अभी जो रेसी मैं बोला ना ये जो रेसी बोला उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं क्या बोला रेसी के लिए मैंने साइन थीटा जो होता है वो वन अपॉन कोसेक थीटा होता है या तो यहीं से आप कोसेक थीटा को भी वन अपॉन साइन बोल सकते हो साइन थीटा क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा आपका होता है कॉस थीटा आपका होता है वन अपॉन सेक थीटा या फिर सेक थीटा आपका होता है वन अपॉन कॉस थीटा कॉस होता है वन अपॉन सेक या फिर सेक होता है वन अपॉन कॉस नेक्स्ट है टेन थीटा टेन थीटा होता है बच्चों वन अपॉन कॉट थीटा या फिर थीटा होता है थीटा ये कहां से मिला ये रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल से रिलेटेड फॉर्मूला अगला फॉर्मूला टेन साइन और कॉस का रिलेशन तो टेन थीटा क्या पढ़े हैं बच्चों हम लोग टेन थीटा पढ़े हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड इसी में कॉट थीटा पढ़े कॉट क्या होता है बच्चों इसी का रेसिप्रोकल तो होता है तो टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा थीटा थीटा अपॉन होगा तो ये एकदम एकदम का बेसिक का बेसिक चीज मैं बता रहा हूं बराबर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है टेंथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने टेंथ में क्या पढ़ा है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई थिंक तीन पढ़े हो आई थिंक आप लोग तीन पढ़े हो फर्स्ट क्या पढ़े हो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन सेकेंड क्या पढ़े हो सेग स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और थर्ड क्या पढ़े हो को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यही पढ़े ना साइंस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा वन होता है सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थेटा होता है और कोशिक्स स्क्वायर थेटा क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और मैं बोलूंगा बच्चों जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है ये सिर्फ यही तीन याद करना यहां पे जो बता रहा हूं वो समझ के रखो याद मत करो याद करने के लिए ये तीन याद करो फिर इन तीन से और दो दो फॉर्मूला कैसे बनता है वो सीखो ठीक है देखो क्या बोल बोला मैं क्या बोल रहा हूं मैं अब पहला फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन समझ जाओ मैंने कॉ स्क्वायर को उधर भगा दिया तो वन माइनस कॉ स्क्वायर क्या बचेगा साइंस स्क्वायर बचेगा अगर मैंने साइंस स्क्वायर को उधर भगा दिया तो वन माइनस साइंस स्क्वायर क्या आ जाएगा स्क्वायर थेटा आ जाएगा ये मेरा पहला आइडेंटिटी से दो और फॉर्मूला बना याद रखने के लिए सिर्फ पहला याद करने का बराबर फिर आने का यहां पे को लेफ्ट में भगा दिया तो सेक्वल टू वन आ गया और वन को अगर लेफ्ट में भगाया तो सेक्स स्क्टा माइनस वन आपका टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिक्टो जो सेकंड में काम किया है वही काम अगर मैं थर्ड में करता हूं तो मुझे मिलेगा कोसेक्स स्क्वाइनस कॉट स्क्र थीटा इज इक्वल टू तो वन और अगर वन को लेफ्ट में लाता हूं तो कोसेक् स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू तो कोट स्क्वायर थीटा यह हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब हम लोग देख लेते कि कौन से कॉड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है तो क्या बोला था मैंने कि कौन से क्वार में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है कौन होता वो देखना है ना तो चलो देख लेते तो ये फिलहाल मैं बना के रखा है? है ये कौन सा क्वार है सेकेंड है ये थर्ड क्वार और ये फोर्थ क्वार बराबर इस डायरेक्शन में अगर आप एंगल मेजर करते हो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल मेजर करते हो तो उसको प्लस थीटा लिया जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करते हो तो माइनस थीटा लिया जाता है बराबर कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है वो याद रखने के लिए ना बच्चों एक कोड याद रखना क्या है कोड ऑल सिल्वर टी कप्स या फिर या फिर एड सुगर टू कॉफी बराबर या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर बहुत है जो आपको याद होता है वो याद करने का अगर टेंथ में किसी टीचर ने आपको कुछ बताया है वो कोड ए भी बहुत लोग याद जो याद है वही याद रखो बिना मतलब का नया चीज के चक्कर में पद पड़ो उसका मेन काम क्या है वो बताना है मुझे तो ऑल सिल्वर टी कब्स एड सुगर टू कॉफी तो चार लोग हैं चार कॉर्डरेंट है कुछ तो लेना देना अब मुझे एक बात बताओ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में मेन फंक्शन कौन कौन है मेन मतलब जिनको हम भाव देते हैं बाकी तीन को इग्नोर करते हैं तीन को खाली भाव देते हैं बराबर कौन है वो तीनों साइन है कॉस है टेन है बाकी तीन को हम इग्नोर करते हैं वो जब आ गया मजबूरी में तो वहां पे उसका काम कर दे बराबर तो साइन है कॉस है और क्या है बच्चों टेन है तो क्या करने का ये कोड के लिए भी मेन कौन है साइन है कॉस है टेन है तो पहला है ऑल इसका मतलब इसका मतलब फर्स्ट क्वार में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वार में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड में एस एस से साइन भी, भी आता है लेकिन मेन कौन है साइन तो सेकेंड में कौन है साइन थीटा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा थर्ड में टी 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 फॉर टेन तो थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ में सी सी फॉर कॉस फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा अब मुझे एक बात बताओ टू पॉजिटिव है हाँ सर है तो वन अपॉइंट टू क्या है ये भी पॉजिटिव है बहुत अच्छी बात 0.5 क्या है पॉजिटिव है टेन बाय फाइव टू ये भी पॉजिटिव है ये सब क्यों बता रहा हूं मैं मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव लोगों का अगर वन अपॉन करोगे दैट इज वन अपॉन पॉजिटिव निकालोगे तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि निगेटिव आने के लिए माइनस का साइन लगाएगा कौन वन तो है नहीं और नीचे पॉजिटिव तो माइनस का साइन आएगा नहीं मतलब क्या मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव होगा वन अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा थर्ड में टेन टेन थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब उसका रेसी थीटा पॉजिटिव रहेगा फोर्थ में कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा समझ गया तो सेकंड में अगर साइन और कोसेक पॉजिटिव है तो बचे हुए चार सेक ये रहेगा यहां पे टैन और, तो बचे हुए चार यहां पे और सेक पॉजिटिव तो बचे हुए चार निगेटिव रहेगा बराबर तो अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमेशा हमारा रिफरेंस होता है इनिशियल आर्म होता है तो इसका खुद के साथ एंगल कितना रहेगा जीरो डिग्री रहेगा अगर मैं y पे आऊं तो इसका कितना रहेगा 90 डिग्री ये 90 है ना इसलिए इसका कितना रहेगा 180 90 प्लस 90, 180 90 ना तो 180 degree. फिर ये टोटल कितना 270 ये टोटल कितना 270 सेवेंटी सॉरी यार और ये पूरा एक राउंड मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 ये डिग्रीज में लिख दिया अगर रेडियन में जीरो का मतलब जीरो नाइनटी का मतलब पाए बाय टू वन एटी का मतलब पाए टू सेवेंटी का मतलब थ्री पाए बाय टू और थ्री सिक्सटी का मतलब टू पाए तो ये हो गया आपका क्वार्रेंट से रिलेटेड यहां पे बच्चों अलाइड एंगल का भी कंसेप्ट अलाइड एंगल का कंसेप्ट मतलब साइन ऑफ वन एटी माइनस थेटा, साइन ऑफ वन एटी प्लस थेटा क्या होता है लेकिन यह चैप्टर नंबर थ्री का है और प्रॉब्लम क्या होता है इन जनरल यूनिट टेस्ट में आपको ट्रिगो वन तक रहता है ट्रिगो टू नहीं रहता है तो अगर ट्रिगो टू वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगो वन में अप्लाई करते हो एग्जाम में सॉल्व करने के तो आपका टीचर परेशान करेगा आपको मैंने तो पढ़ाया नहीं कहां से आया तेरे को ठीक है तो अलाइड एंगल एंगलो नाइनटी माइनस थ्रीटाइन प्लस थ्रीडाटी प्लस थ्रीडा ये चैप्टर नंबर थ्री की चीजें हैं तो चैप्टर नंबर थ्री में देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर टू में वो क्लियर नहीं कर रहा हूं वो चैप्टर नंबर थ्री में ही कराऊंगा मैं ठीक है तो देख लेते हैं ये आपका हो गया इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इससे मुलाकात ऑलरेडी हो चुका है आपका इसको देखते हैं तो जहां तक मुझे लगता है जीरो से लेके नाइनटी तक था बराबर वन एटी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी मैंने जान के बढ़ा लिया तो पहले जीरो से लेके नाइनटी तक ही पढ़ने वाले रिवाइज करते हैं फिर वन एटी का टू सेवेंटी का और थ्री सिक्सटी का ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे आएगा उसका एंसर तो सबसे पहला सबसे पहला बहुत लोग को पता रहेगा कि साइन का वैल्यू जीरो से लेकर नाइनटी तक याद कर लेने का या फिर या फिर ट्रिक क्या है जीरो लिखो वन लिखो टू लिखो थ्री लिखो फोर लिखो जीरो से लेकर फोर तक लिखो फिर डिवाइड कर दो बाय फोर तो जीरो अपॉन फोर मतलब जीरो ठीक है फिर वन अपॉन फोर फिर टू अपॉन फोर मतलब वन बाय टू हो जाएगा फिर थ्री अपॉन फोर और फोर अपॉन फोर मतलब वन हो जाएगा फिर उसके बाद में स्क्वायर रूट ले लो इसके बाद में स्क्वायर रूट ले लो तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है 1 by 4 का स्क्वायर रूट वन बाय टू होता है वन बाय टू का वन का स्क्वायर रूट वन और टू का रूट टू हो जाएगा थ्री का रूट थ्री हो जाएगा फोर का टू हो जाएगा और वन का वन हो जाएगा यही आपका साइन की वैल्यूज है जीरो हाफ वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू और वन जीरो हाफ वन बाय रूट टू रूट थ्री बाई टू एंड वन बराबर एक तरीका और है थर्टी uh, सिक्स याद है थर्टी के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता था 60 के सामने वाला फाइव थ्री और फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइनटी डिग्री ट्राइंगल थे अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता था तो वहां से भी आप ये तीन याद कर सकते हो कॉस कैसे लिखोगे कॉस इन्हीं लोगों को उल्टा लिखने का मतलब पहले वन लिखूंगा फिर रूट थ्री बाय टू लिखूंगा फिर वन बाय रूट टू लिखूंगा फिर क्या लिखूंगा वन बाय टू लिखूंगा और उसके बाद में क्या लिख लूंगा जीरो लिख लूंगा फिर टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है तो जीरो डिनोमिनेटर में जीरो तो आंसर नॉट डिफाइंड ठीक है इसको अगर मैं डिवाइड किया टू टू कैंसिल होके वन बाय रूट थ्री ये पूरा कैंसिल होके वन बचेगा यहां पर रूट थ्री अपॉन वन मतलब रूट थ्री और वन अपॉइन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड वन अपॉइंट जीरो मतलब Not defined. अब यहाँ पे मैंने आपको टेंथ का ही फॉर्मेट यूज किया क्योंकि में, टू अपॉइन वन मतलब टू मतलब ये हो जाएगा आपका रूट टू अपॉइन वन मतलब रूट टू ये कितना टू बाय रूट थ्री और वन अपॉइन वन कितना होता है, one होता है. सेक थे मतलब कॉस्ट का उल्टा तो वन टू बाय रूट थ्री रूट टू टू एंड जीरो का रेसिप्रिकल इज नॉट डिफाइन समझ गया फिर टेन का उल्टा जीरो का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन जीरो का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन वन अपॉन रूट थ्री का हो जाएगा रूट थ्री वन का हो जाएगा वन रूट थ्री का हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री और वन अपॉन नॉट डिफाइन वन अपॉन इंफिनिटी कितना होता है जीरो होता है यह हो गया आपका साइन का कॉस्ट साइन से लेके पूरा कॉर्ड तक जीरो से लेके नाइनटी तक वन एटी टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी का बाकी है अभी ठीक है उसके लिए ट्रिक बता देता हूं ट्रिक क्या है देखो ट्रिक क्या है ध्यान देना हाँ बहुत अच्छे से ध्यान देना साइन की वैल्यूज क्या है साइन का कॉस का और टेन का जीरो डिग्री के लिए जीरो डिग्री के लिए वैल्यूज क्या है ध्यान दो ध्यान दो जीरो डिग्री के लिए वैल्यूज क्या है देखो इधर पे जीरो के लिए क्या है जीरो वन जीरो बराबर जीरो के लिए क्या है जीरो वन जीरो पहला साइन है दूसरा कॉस है तीसरा टेन है 90 के लिए क्या है वन जीरो नॉट डिफाइन है वन जीरो नॉट डिफाइन देख लो वन जीरो नॉट डिफाइन है बराबर तो देखो 180 का क्या करोगे 180 के लिए उसके अपोजिट में जाने मतलब उसके सामने जाने का, इन लोगों को कॉपी करने का विथ निगेटिव साइन तो जीरो के आगे माइनस लगाना मतलब बिना मतलब का काम करना बराबर तो जीरो माइनस वन जीरो टू सेवेंटी के लिए क्या करोगे उसके सामने जाओगे और उसका निगेटिव साइन के साथ कॉपी करोगे मतलब आ जाएगा माइनस वन जीरो एंड नॉट डिफाइन समझ गया मतलब मतलब ये वन कहां से मिलेगा उसके सामने जीरो जीरो वाले का निगेटिव साइन कॉपी करो तो जीरो का जीरो हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा टू सेवेंटी कहां से मिलेगा नाइनटी पे जाएगा और निगेटिव साइड तो माइनस वन जीरो नॉट डिफाइन का नॉट डिफाइन ही रहेगा इंफिनिटी रहता तो माइनस इंफिनिटी सोचते थे अब थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी ये रहा 360, 360 और 0 एक ही लाइन पे मतलब दोनों का आंसर सेम रहेगा क्या आ जाएगा 0 1 0 क्या आ जाएगा 0 1 0 अब इन्हीं का रिसिप्रोकल करो हो जाएगा आंसर

Uh, समझो एक एक्सकॉमा वाई से एक्स कॉमा वाई से एक लाइन uh, पास हो रही है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइन करना है तो एक्स कॉमा वाई अब आपका हो गया ये आपका एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस ठीक है और फर्स्ट क्वार में देख रहे हैं। तो क्या करेंगे ये बना दिया समझ जाओ समझ जाओ इसको मैंने बोल दिया रेडियस आर अब रेडियस अगर बोल रहा एक तो एक सर्कल जैसा भी रहेगा तो एक सर्कल जैसा भी या पे सोच सकते हो आप बराबर तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं x एक्सिस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे तो आई थिंक दिस लेंथ विल बी x एंड दिस लेंथ विल बी y एंड ये आपका थीटा रहेगा तो इसी इसी थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है तो sin थीटा क्या आएगा sin थीटा sin थीटा होता क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब y अपॉन r cos थीटा क्या होता है एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटे क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेंट मतलब वाई अपॉन एक्स तो यह फॉर्मूला फॉर्मूला आपको याद रखना है इनकेस इनकेस मैंने रेडियस ही वन अज्यूम कर लिया तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई और तीन मिलेंगे लोगों का फाइंड कर लो आपको मिल जाएगा बराबर अब यहां पे देखो आपका एक्सरसाइज टू पॉइंट वन स्टार्ट करने वाला यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है देखो बहुत क्वेश्चन है और मैं ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ लिखा के देने वाला हूं एक्सप्लेन करूंगा आंसर पूरा निकालूंगा बट आपके लिए कुछ काम देके रखूंगा नहीं तो इतने क्वेश्चन कराने को ना एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा अकेले खाली इसका सॉल्व करने को हर एक क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे ठीक है बट लिखा के हर एक क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में आंसर बता दूंगा आप लोग खुद से लिख सकते हो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप मतलब मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया अब लिख लेंगे बच्चे तो वहां से फिर थोड़ा आ, कम लिखना चालू करूंगा फिर क्वेश्चन नंबर टू भी है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर वन का क्वेश्चन क्या है देखो फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ उसमें फर्स्ट फर्स्ट है आपका जीरो डिग्री अब जीरो डिग्री के लिए काम कैसे होगा सबसे पहला सबसे पहला हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहला हम लोग क्या बना देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल ऑफ at एन एंगल ऑफ zero डिग्री बराबर एक लाइन ड्रॉ कर रहा रो डिग्री पे जो कि ऑलरेडी बना हुआ है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है बराबर फिर उसके बाद में उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा यहां पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है क्या करना है ड्रॉ अ यूनिट सर्कल आप यूनिट सर्कल पहले ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा और उल्टा कर दोगे तो भी चलेगा ड्रॉ अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन विथ सेंटर एट ओरिजिन एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका सेंटर कहां पे ले, पे ले रहा हूं मैं ओरिजिन पे ले रहा हूं जिसका सेंटर कहां पे ले रहा हूं मैं ओरिजिन पे ये मेरा सेंटर हो गया अब यूनिट सर्कल का मतलब होता है रेडियस की वैल्यू वन तो रेडियस कितना रहेगा वन रहेगा बराबर रेडियस वहां पे बनाओ चाहे कहीं और बना दो कितना रहेगा वन रहेगा समझ आ ये ओ है ये पी है अब ये जो तो लाइन ड्रॉ किया और ये जो यूनिट सर्कल है वो दोनों इंटरसेक जहां पर हो रहा है उस पॉइंट को बोल देने का पी बराबर लेट लाइन ड्रॉन एट जीरो डिग्री एंड सर्कल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट p तो पॉइंट पी आया जिसका कोऑर्डिनेट मैं अज्यूम कर ले रहा हूं एक्सकॉमा वाई जिसका कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर रहा हूं एक्स कॉमा वाई अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा था फॉर्मूला देखो क्या पढ़ा था वाई अपॉन आर एक्स अपॉन आर और वाई अपॉन एक्स आर की वैल्यू अगर वन है तो साइन थे वाई होगा मेरे को घुमा फिरा के करना क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बराबर कौन से एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे तो यहां है बराबर तो एक्स एक्सिस तो पे तो लेंथ ऑफ ओपी अच्छा लेंथ ऑफ ओपी रेडियस है क्या तो ये वन हो जाएगा मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी वन मिलेगी एंड वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो मिल जाएगी ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव uh, डायरेक्शन में इसलिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स मिल गया वाई मिल गया फिर बोलने का वी नो दैट अपने को ऑलरेडी फॉर्मूला पता है क्या है थीटा होता है आपका y, जिसका वैल्यू वन हो गया टेन थीटा होता है आपका वाई अपॉन एक्स जिसका वैल्यू जीरो अपॉन वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा बराबर फिर इन्हीं का रेसिप्रोकल मतलब मतलब कोसेक. कोसेको क्या होता है वन अपॉन साइन होता है वन जीरो डिफाइन आ जाएगा, जाएगा, जाएगा जाएगा, आपका होता होता है वन तो वन 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 हो जाएगा। फिर होता है तो हो 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 फिर पे क्या इसमें ज्यादा काम नहीं था बच्चों आ गया था ना एक्सएक्स एक्सिस बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है काम exactly कहां रहेगा आपको अभी समझेगा सेकेंड देखो क्या है थर्टी डिग्री ध्यान देना सेकेंड क्या है आपका थर्टी डिग्री थोड़ा अच्छे से देखना सेकेंड वाला थर्टी डिग्री अब ये थर्टी डिग्री के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखो ठीक है सबसे पहला क्या करना है अपने को एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है जहां पे आ, से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेगा बराबर तो ये हो गया आपका सेंटर आपका ओरिजिन पे रहेगा ठीक है तो ये मैंने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन एक्सिस, वाई एक्सिस सबसे पहले क्या किए सबसे पहले क्या किए ध्यान देना ड्रॉ अ यूनिट सर्कल ये प्रॉपर एकदम रहेगा ध्यान देना ड्रॉ अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन विथ सेंटर एट ओरिजिन तो ओरिजिन पे सेंटर लेके हम लोग एक यूनिट सर्कल बना लिए उसके बाद थर्टी डिग्री नाउ ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री विच विल इंटरसेक सर्कल जो सर्कल को इंटरसेक करेगा विच विल दी दर्कल एट पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है वाई थर्टी डिग्री की एक लाइन बनाएंगे जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी पे जिसका एक्स एक्सकॉमा वाई है रेडियस वन है तो ये ओपी का लेंथ कितना रहेगा वन रहेगा अब मेरा काम क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना वो कैसे निकलता है हमेशा हमेशा उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं आया पॉइंट पी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है समझ जाओ उसको बोल दिया मैंने एम एम ठीक है नाउ ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो ही वो फॉर्मूला जो एक्स वाई वाला बनाया था ना Y अपॉन आर एक्स अपॉन आर तो वो वैलिड हो पाएगा तो X एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना लिया तो 30 डिग्री कौन है ये 30 डिग्री है ये थर्टी ये 90 तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा इसका मतलब ट्राइंगल ओ पी एम ट्राइंगल ओ पी एम इज अ थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल अगर 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल है तो उसका थ्योरम भी यूज कर सकता हूं तो थ्योरम क्या बोलता है 30 के सामने वाला मतलब लेंथ ऑफ पीएम क्या आएगा हाफ ऑफ हाइपोटेनस हाइपोटेनस वन है एंड 60 के सामने वाला मतलब लेंथ ऑफ ओएम वो क्या आएगा रूट थ्री अपॉन टू टाइम्स ऑफ हाइकोडेनोडेनस का वैल्यू कितना है One है इसका एंड लेंथ ऑफ ओ एम कितना मिल जाएगा रूट थ्री बाय टू मिल जाएगा इतना मिलने के बाद फिर बोलूंगा कि सिंस पी लाइज इन विच क्वाड्रेंट पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना वो पी कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर P फर्स्ट क्वार में है बच्चा अगर P फर्स्ट क्वार में इसका मतलब X भी पॉजिटिव रहेगा एंड Y भी पॉजिटिव रहेगा अब PM और OM में X कौन है हॉरिजॉन्टल वाला X रहता है वर्टिकल वाला Y रहता है मतलब X क्या आएगा लेंथ ऑफ OM आएगा और Y क्या आएगा लेंथ ऑफ PM आएगा देरफोर एक्स मिल जाएगा लेंथ ऑफ OM। OM का लेंथ कितना है देखो रूट थ्री अपॉन टू एंड y क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ pm pm का लेंथ कितना है वन अपॉइंट टू हो जाएगा वन अपॉइंट टू तो x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई फिर क्या बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा कि हमको पता है साइन थीटा क्या होता है y r की वैल्यू वन है ना यहां पे y अपॉन r तो r की वैल्यू वन तो y की वैल्यू क्या मिल गई साइन थेटा हाफ मिल गया कॉस् थीटा क्या होता है थीटा x होता है जिसकी वैल्यू रूट थ्री बाय टू मिल जाएगा टेन थीटा क्या होता है वाई अपॉन एक्स होता है जिसकी वैल्यू हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू तो वन बाय रूट थ्री मिलेगा साइन डेटा का रेसिप्रोकल कोसेक कोसेक क्या मिल जाएगा फिर टू मिल जाएगा सेक क्या मिल जाएगा टू बाय रूट थ्री मिल जाएगा एंड कॉड क्या मिल जाएगा रूट थ्री मिल जाएगा समझ गया क्या लिखने का है सर्कल ड्रॉ करो फिर लाइन ड्रॉ करो लाइन इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे और उसके बाद 30 60 90 या 45 45 90 वाला बनेगा और अपना आंसर आ जाएगा और और एक चीज ये 30 को कहीं पे थीटा बोल दो लेट थेटा इज इक्वल टू तो 30 डिग्री ताकि पता रहे एक और आया है 30 वाला आया है यहां पे भी लेट थीटा इज इक्वल टू जीरो तो डिग्री अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या, है? अगला क्या है आपका जीरो हो गया थर्टी हो गया अगला है आपका फोर्टी फाइव नेक्स्ट क्या है आपका 45. तो इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री बराबर फोर्टी फाइव डिग्री के लिए हम लोग एक पहला सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बराबर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक यूनिट सर्कल उसके बाद क्या करना रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहता है तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया सेंटर कहां पे रहेगा इसका ओरिजिन पे रहेगा ठीक है थोड़ा शॉर्टकट मारू लिख के नहीं दे रहा हूं उतना आप समझ गए रहोगे मैं बता देता हूं कि क्या लिखना है क्या लिखने का है बच्चों क्या लिखने का है ड्रॉ अ यूनिट सर्कल हु सेंटर इज एट ओरिजिन नाउ ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री एक 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करने का जो पॉइंट जो सर्कल को इंटरसेक करेगा पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई पे जिसका एंगल कितना 45 डिग्री नाउ ड्रॉ ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस फिर क्या बोलेंगे एंगल ओ आपका 45 ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 रेडियस कितना है इसका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? क्या? लेंथ लेंथ ऑफ़ ऑफ़ और रूट टू के इक्वल आएगा एग्जैक्टली exactly क्या लिखना समझा है ना है जैसे यहां पे लिखा है ना ये स्टेटमेंट में थोड़ा वैसा लिखना फिर क्या बोलना है फर्स्ट ऑर्डर में सिंस पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन फर्स्ट क्वार अगर ये फर्स्ट क्वार्रेंट में है बच्चों अगर यह फर्स्ट क्वार्रेंट में इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव रहेगा वाई भी पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब एक्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव क्या हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ ओ एम एंड वाई क्या आ जाएगा पॉजिटिव लेंथ ऑफ पी एम बराबर तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी लेंथ ऑफ ओ एम ओ एम का वैल्यू कितना वन बाय रूट टू है और और आपका y क्या मिल जाएगा ये भी वन बाय रूट टू मिल जाएगा x मिल गया y मिल गया उसके बाद साइन थीटा क्या होता है वाई दिन बाय रूट टू कॉस थीटा क्या होता है x विच इज वन बाय रूट टू एंड टेन थीटा क्या होता है y अपॉन x विच इज वन साइन मिल गया कॉस मिल गया टेन मिल गया साइन का रेसिप्रोकल किया तो कोसेक मिल जाएगा रूट टू सेक मिल जाएगा रूट टू एंड कॉट मिल जाएगा वन हो गया हमारा फोर्टी फाइव डिग्री चलो नेक्स्ट देख लेते हैं तो फोर्थ वाला सिक्सटी डिग्री दिया हुआ है तो ये देखो एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस सबसे पहले क्या करोगे लेट थीटा इज इक्वल टू तो सिक्सटी डिग्री फिर क्या लिखोगे इसको भी एक काम करो मैं लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं क्या लिखोगे ड्रॉ अ यूनिट सर्कल ड्रॉ अ यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन विथ सेंटर एट ओरिजिन हर क्वेश्चन लिखा के नहीं मिलेगा बच्चों तो यह लिख दिया तो सेंटर कहां पर ओरिजिन पे और यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल बोले तो रेडियस कितना रहेगा वन रहेगा उसके बाद हाँ क्या करोगे ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन तो यह ड्रॉ किया फिर वहां पे लिखूंगा कि वो जो लाइन है विच विल इंटरसेक्ट विच विल इंटरसेक्ट सर्कल एट पी y. एक्स कॉमा वाई। एक्स से एक 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो सर्कल को पॉइंट पी पे दैट इज एक्स कॉमा वाई पे इंटरसेक्ट अपना मेन काम क्या है अपना मेन काम है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना बराबर फिर क्या करोगे ड्रॉ पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हमेशा एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एम बोल दिया अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है ये ये 90 है ये 60 है तो ये कितना बच गया 30 डिग्री तो यह आप यहां पे क्या लिखोगे ट्राइंगल पी ओ एम इज अ थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री 30, डिग्री degree, degree, 90 डिग्री ट्राइंगल थी क्या हो जाएगा 30 के सामने वाला that is OM. OM क्या जाएगा? आपका हाफ ऑफ हाइपोडेनस रेडियस कितना 1 है? है ना तो हाफ ऑफ 1 which विल बी हाफ और आपका 60 के सामने वाला दैट इज पी ये क्या आ जाएगा रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस ये हो जाएगा रूट थ्री अब टू समझ गया तो ओ एम हो गया पीएम हो गया फिर पॉइंट पी किधर है सिंस पॉइंट पॉइंट लाइज इन कौन से में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉइंट पी में एक्स क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और वाई क्या रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा तो एक्स क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ओ एम ठीक है ये लेंथ ऑफ ओ एम और ये लेंथ ऑफ पी एम

सेक मिल जाएगा आपको टू एंड साइन तो से ऑलरेडी हो गया है कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया तो इसके आगे क्वेश्चन मैं भले करा रहा हूं लेकिन आपको लगता है कि आपको खुद से कर सकते हो तो जरूरत नहीं है आप स्किप करके क्वेश्चन नंबर टू पे भी जा सकते हो अपने हिसाब से देखो या फिर जो क्वेश्चन आपको तकलीफ देता है डायरेक्ट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ठीक है अदरवाइज रैंडमली कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करो और उसको सॉल्व करो कैसे ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए बराबर लेकिन बात ऐसा है कि कुछ बच्चे वीक रहते हैं या फिर कुछ को उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है अगर अच्छे बच्चे तो भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन तकलीफ दे देता है तो मुझे कैसे पता चलेगा इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं ठीक है अब यहां पे अब लिखने का काम नहीं होने वाला अब डायरेक्टली का सॉल्व करने वाला हूं मैं ध्यान देना क्या लेट थीटा इज इक्वल टू वन डिग्री एग्जाम में एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा ठीक है चलो एक 150 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करो तो ये आपका 90 हो गया और 60 आगे बढ़ा और 60 आगे बढ़ा जो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी पे जिसका कोऑर्डिनेट है एक्सकॉमा वाय फिर पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा अगर ये वन है अगर ये वन है तो यह छोटू कितना रहेगा थर्टी और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये 30 और ये 60 हो जाएगा बराबर तो ये m बोल दिया तो 30 के सामने वाला लेंथ ऑफ पी एम क्या हो गया आपका 30 के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस हाइपोटेनस की वन वैल्यू वन तो हाफ आ गया और लेंथ ऑफ ओ एम लेंथ ऑफ ओ एम सिक्सटी के सामने वाला तो रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ वन दैट इज रूट थ्री बाय टू आ गया आई होप समझ में आया रहेगा पॉइंट पी कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट पी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है तो X किसका ओ एम लेंथ ऑफ ओ एम और वाई पॉजिटिव दैट इज लेंथ ऑफ पी एम बराबर तो देअ फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस लेंथ ऑफ ओ एम कितना है रूट थ्री टू एंड साइन थेटा तो क्या, क्या, क्या होता है वाई विच इज वन अपॉन टू कॉस थेटा क्या होता है एक्स विच इज माइनस रूट थ्री बाय टू टेन थीटा क्या होता है वाई अपॉन एक्स विच इज माइनस वन बाय रूट थ्री इन्हीं का रेसिप्रोकल करोगे तो बाकी लोग भी मिल जाएंगे कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा टू मिल जाएगा सेक थीटा आपको माइनस टू बाय रूट थ्री मिल जाएगा एंड कॉट थीटा आपको माइनस रूट थ्री मिल जाएगा वीडियो लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूं ठीक है हाँ अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वेदर दिस एंसर्स आर करेक्ट और नॉट कैसे चेक करोगे ध्यान देना कभी भी कोई लाइन कोई भी लाइन एक्यूट हो, हो, जो भी हो कोई भी ये एंगल अगर एक एंगल 90 से बड़ा बना रहा है तो एक छोटा एंगल बनेगा हमेशा याद रखना ये ये देखो छोटा वाला एंगल बनेगा तो ये जो भी वैल्यूज रहेंगी सब 30 वाली वैल्यूज रहेंगे एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बना रहा है छोटा एक्यूट वही वैल्यूज रहेंगी खाली क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा जैसे साइन थर्टी आपका हाफ होता है Cos 30, 3 2 होता है, 3 होता है. जैसे थर्टी बचा तो थर्टी वाले का ही वैल्यूज आएगा सिर्फ प्लस कौन आएगा क्वाड्रेंट बताएगा नेगेटिव कौन आएगा वो भी क्वाड्रेंट बताएगा ये हो गया आपका फिफ्थ वाला चलते सिक्स वाले के पास क्या है क्वेश्चन 180 डिग्री क्या करेंगे ड्रॉ अ यूनिट सर्कल फिर उसके बाद जिसका सेंटर ओरिजिन पे है फिर नाउ ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल ऑफ वन एटी डिग्री देखो ऑलरेडी बना हुआ है ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको मैंने समझ जाओ बोल दिया थीटा ठीक है ये बना हुआ विच विल इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट पी वाई ये डिस्टेंस वन है बराबर पॉइंट पी पॉइंट पी सिंस पॉइंट पी लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना और ये डिस्टेंस अगर वन है तो एक्स एक्सिस पे है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो अगर एक्स एक्सिसनेट जीरो और एक्स कोऑर्डिनेट लेफ्ट में होने के वजह से ये वन तो लेफ्ट में है तो माइनस वन होगा एक्स पता है वाई पता है हो गया काम साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा आपका वाई और वाई की वैल्यू कितनी है वाई की वैल्यू है जीरो

न एटी डिग्री नेक्स्ट आ जाते हैं टू हंड्रेड एंड टेन ड्रॉ यूनिट सर्कल वगैरह वगैरह पकड़ डालने का पहला फिर टू हंड्रेड एंड टेन पे एक ये बता देने का क्या बनाने का एक लाइन बनाने का टू हंड्रेड एंड टेन पे एक लाइन बनाने का टू हंड्रेड एंड टेन ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को एक्स कॉमा वाई पे एक्स कॉमा वाई पे फिर क्या करेंगे पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पीएम हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ये अगर 210 है ये अगर 210 है तो ये छोटू कितना रहेगा 30 क्योंकि ये 180 एटी प्लस थर्टी टू होगा ये 30 ये 90 है ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बराबर लेंथ ऑफ ओ एम क्या आएगा लेंथ ऑफ ओ एम सिक्सटी के सामने वाला तो 60 के सामने वाला रूट थ्री अपॉन टू टाइम ऑफ हाइपोटेनस हाइपोटेनस की वैल्यू है वन रूट थ्री अपॉइंट टू होगा लेंथ ऑफ पीएम, लेंथ ऑफ पीएम, थर्टी के सामने वाला हाफ ऑफ दैट इज हाफ इन टू वन क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा ये दोनों अपने किधर पॉइंट पी है, है. है किधर थर्ड में अगर पॉइंट पी थर्ड को इसका मतलब x भी निगेटिव रहेगा एंड y भी निगेटिव रहेगा x किसका निगेटिव रहेगा ओ एम का हॉरिजॉन्टल वाला बराबर और वाई किसका का निगेटिव रहेगा पीएम का तो देर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस ओ एम कितना है, है root by 2, and कितना है माइनस पीएम कितना है वन अपॉइंट एक्स पता है वाई पता है साइन थे निकाल लो साइन थेटा क्या आ जाएगा वाई विच इज माइनस ऑफ कॉस थेटा क्या आ जाएगा एक्स

ये बड़ा एंगल भले दिख रहा है लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव एक छोटा सा एंगल बना रहा है थर्टी ये वैल्यूज देखो थर्टी वाला है क्या हाँ सर थर्टी वाला हाफ होता है 30, रूट होता है सब थर्टी वाला है और क्वाड्रेंट थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉर्ड पॉजिटिव रहता है देखो पॉजिटिव दिख रहा है और बाकी चार निगेटिव रहता है देखो निगेटिव दिख रहा है मतलब जो भी आया है हमारा आंसर वो हंड्रेड परसेंट शत प्रतिशत करेक्ट है समझ गया चलो नेक्स्ट थ्री हंड्रेड डिग्री थीटा इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड डिग्री क्या करने का यह टू सेवेंटी ये टू सेवेंटी प्लस थर्टी टू सेवेंटी प्लस थर्टी ये हो गया आपका यह हो गया आपका पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट से एक्स कॉमा हुआ है ठीक है कितना है थ्री हंड्रेड डिग्री फिर क्या पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एम ये 300 है मतलब 270 सेवेंटी प्लस थर्टी ना तो ये, ये जो छोटा सा बच गया ये कितना रहेगा ये कितना रहेगा 60 रहेगा और ये कितना रहेगा 30 रहेगा समझ गया ये 30 रहेगा अब लेंथ ऑफ ओ एम के सामने वाला हाइपोटेनस कितना है वन 30 के सामने वाला क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है हाफ इंटू वन वन हो हाफ हो जाएगा एंड लेंथ ऑफ पी एम सिक्सटी के सामने वाला रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ वन दैट इज रूट थ्री बाय टू हो जाएगा फिर पॉइंट पी है आपका फोर्थ क्वार में पॉइंट पी कहां पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स क्या आएगा पॉजिटिव आएगा मतलब एक्स आएगा लेंथ ऑफ ओ एम के इक्वल पॉजिटिव है एंड वाई निगेटिव में आएगा मतलब माइनस लेंथ ऑफ पी एम एक्स मिल जाएगा आपको माइनस वन पॉइंट टू एंड वाई मिल जाएगा आपको एक मिनट एक्स माइनस नहीं आएगा ना तो प्लस आएगा एक्स आपको वन पॉइंट टू मिल गया और वाई आपको माइनस रूट थ्री बाय टू मिल गया एक्स पता है वाई पता है अपने को एक्स पता है वाई पता है इसके बाद क्या करेंगे हम लोग साइन थेटा क्या होता है वाई होता है वाई क्या है माइनस रूट थ्री बाय टू है थीटा क्या होता है एक्स होता है जो वन अपॉन टू है टेन क्या होता है वाई अपॉन एक्स होता है जो माइनस रूट थ्री है साइन थे माइनस टू बाई रूट थ्री थे टू आ जाएगा टेन थेटा से कॉ थीटा क्या आ जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री आ जाएगा इधर पे एक्स एक्सिस के साथ देखो जो छोटा एंगल है वो है सिक्सटी डिग्री क्या ये वैल्यू सिक्सटी वाले एक बार चेक कर लो हाँ ये सिक्सटी वाले वैल्यूज है क्वाड्रेंट है फोर्थ कॉस और सेक पॉजिटिव होना चाहिए था पॉजिटिव है बाकी चार नेगेटिव होने चाहिए थे तो नेगेटिव है मतलब मतलब हमारा ये भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 डिग्री हर क्वेश्चन आपको 30, 60, 90 पे ही लेके जा रहा है फिलहाल जो भी है ठीक है 45, 45, 90 भी आएगा लेट थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री तो 330 डिग्री थर्टी डिग्री अगर करना है तो एग्जैक्टली exactly करोगे क्या थ्री हंड्रेड एंड थर्टी तो टू सेवेंटी प्लस सिक्सटी पड़ेगा इस बार जो सर्कल को पॉइंट पी एक्स पे इंटरसेक करेगा पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको एम बोल देंगे अगर ये थ्री थर्टी है अगर ये वैल्यू थ्री थर्टी है तो ये ये कितना बचेगा थर्टी बचेगा और ये आपका सिक्सटी बचेगा बराबर तो थर्टी के सामने वाला लेंथ ऑफ पीएम 30 के सामने वाला हाफ होता है हाइपोटेनस का और हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है एंड लेंथ ऑफ OM लेंथ ऑफ ओ ये रूट थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ 1 होगा दैट इज रूट थ्री बाय टू होगा लेंथ ऑफ PM मिल गया लेंथ ऑफ OM मिल गया पॉइंट P अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स आपका निगेटिव नहीं एक्स आपका पॉजिटिव आएगा ओ तो रूट थ्री आएगा एंड वाई आपका नेगेटिव आएगा दैट इज माइनस वन अपॉइंट टू आएगा माइनस वन अपॉइंट अब इसके आगे मैं नहीं करा रहा हूं आप खुद से सॉल्व करो ठीक है ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया करना क्या है साइन y होता है cos theta X होता है, टेन है, कर लोगे सॉल्व, ठीक है चलो टेंथ वाला माइनस थर्टी डिग्री क्या लिखोगे ड्रॉ यूनिट सर्कल ऑफ माइनस थर्टी डिग्री माइनस बोले तो क्लॉकवाइज चालू करना पड़ेगा क्लॉकवाइज चालू करना पड़ेगा विच विल आर एक्स कॉम माइनस थर्टी डायरेक्शन बता रहा है तो ये थर्टी रहेगा ये परपेंडिकुलर बराबर तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी आ जाएगा ये एम अगेन वही चीज होने वाली है जो माइनस थर्टी है ना सेम कुछ टेंशन नहीं है थर्टी मिल गया ना अपने को वो वो तो क्यू, आ, का काम क्या हुआ? वो नीचे की तरफ बना क्लॉक वाइस बराबर एंटी क्लॉक वाइस पॉजिटिव क्या आएगा लेंथ ऑफ तो ओ एम यानस बन रहा है सिक्सटी के सामने है ना सिक्सटी के सामने तो सिक्सटी के सामने वाला क्या होता है रूट थ्री अपॉइंट टू टाइम्स ऑफ आइपोडेनस बराबर एंड लेंथ ऑफ पी एम लेंथ ऑफ पी एम तो पी एम मतलब क्या थर्टी के सामने वाला वो हाफ ऑफ हाइपोडेनस हो जाएगा हाफ ऑफ हाइपोडेनस तो लेंथ ऑफ मिल गया और लेंथ ऑफ पी एम मिल गया अब क्या करना है पॉइंट पी कहां पे है पॉइंट पी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट पी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों तो एक्स क्या आएगा आपका एक्स क्या आएगा x आपको आई थिंक आएगा पॉजिटिव और वो भी क्या लेंथ ऑफ ओ एम एंड क्या आपको आएगा नेगेटिव दैट इज लेंथ ऑफ पी एल तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको x की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू मिल जाएगी एंड एक मिनट में माइनस क्यों लिख दे रहा हूं फोर्थ में x और y की वैल्यू प्लस रूट थ्री बाय टू मिले ठीक है और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस वन अपॉन टू मिल जाएगी तो आप लोगों को एक्स पता है आप लोगों को वाई पता है बराबर आप लोगों को एक्स पता है आप लोगों को y पता है अब क्या करना एक्स पता है y पता है तो मेरा काम तो नहीं है अभी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो यही थोड़ा सा दिमाग लगता है यहां पे तो बस साइन थीटा y, y मतलब माइनस ऑफ कॉस थीटा x, x मतलब थीटा मतलब मैंने जो लिखना था 45 फिर सर्कल वगैरह ड्रॉ करने का वो डालने का फिर फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज बनाने का फोर्टी फाइव डिग्री क्लॉक वाइज बनाने का तो ये फोर्टी फाइव डिग्री बना लिया बराबर फिर क्या ये पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट कहां है एक्स कॉमा वाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको बोला एम ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा 45 और 45 इसके बाद क्या करेंगे बच्चों ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये कौन सा ट्राइंगल ओ पी एम ये कौन सा ट्राइंगल है 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है अगर ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल है इसका मतलब 45 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम यूज कर सकता हूं जो जो बोलता है कि 45 के सामने वाला दैट इज लेंथ ऑफ ओ एम एज वेल एज लेंथ ऑफ पी एम बोथ विल बी इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ हाइपोडेनस वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ हाइपोडेनस दैट इज वन बाय रूट टू टाइम्स ऑफ वन विच इज वन बाई रूट टू बराबर विच इज वन बाय टू मुझे और पी मिल गया. अब क्या करने का और पी मिल गया. अब क्या करने का अब बोलने का कि आपका ये क्या बोलते हैं पॉइंट पी कहां पे है? पॉइंट पी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए और y निगेटिव आना तो x पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफ हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ओ एम का लेंथ एंड y क्या आना चाहिए आपका निगेटिव वो भी वर्टिकल वाला लेंथ ऑफ पी तो x आपको मिल जाएगा वन अपॉन रूट टू एंड y आपको मिल जाएगा माइनस वन अपॉन इसके बाद वही जो दो क्वेश्चन में बोल दिया आप लोग खुद से कर लेना साइन थे वहां से कोसिक थे माइनस रूट टू आ जाएगा रेसिप्रोकेट कर दिया तो सेक्स थीटा मिल जाएगा रूट टू टेन थेटा वायन एक्स विच इज माइनस वन उसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो कॉर थीटा मिल जाएगा माइनस वन हो गया हमारा इलेवेंथ वाला फटाफट ट्वेल्थ माइनस डिग्री 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 बना लेने का इधर पॉइंट पी बोलने का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई बोलने का फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ये सिक्सटी डिग्री बोला है ये सिक्सटी है तो ये थर्टी है थर्टी के सामने वाला मतलब लेंथ ऑफ ओ एम लेंथ ऑफ ओ एम आ जाएगा हाफ और लेंथ ऑफ़ जाएगा रूट थ्री बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट तो एक्स आएगा पॉजिटिव बराबर तो एक्स आएगा लेंथ ऑफ ओ एम के इक्वल लेंथ ऑफ ओ एम के इक्वल एंड वाई आएगा निगेटिव लेंथ ऑफ पीएम के इक्वल तो एक्स मिल जाएगा आपको वन अपॉन टू एंड वाई मिल जाएगा आपको माइनस रूट थ्री अपॉन टू एक्स पता है वाई पता है आगे का खुद से सॉल्व कर लेना ट्वेल्थ हो गया 12th हो गया अभी माइनस नाइनटी डिग्री माइनस नाइंटी डिग्री माइनस नाइन्टी डिग्री ये है ना माइनस नाइन्टी डिग्री बराबर नाइंटी डिग्री दैट लाइन ड्रॉ लाइन बोलोगे दैट लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट

sec थीटा cosec थीटा 1 हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन हो जाएगा और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा हो गया हमारा 13th वाला भी आई होप सबको समझ आ रहा होगा एग्जाम में बस ऐसा मत लिख देना एग्जाम में लिखने के लिए ऑलरेडी आपको सिखाया है ठीक है स्टार्टिंग में ही ये सब ये सब तरीका सिखाया है ना ये सब तरीका फॉलो करना एग्जाम में लिखने का प्रॉपर एकदम ठीक है एग्जाम में इतना नहीं आएगा ना कि आप लिखते लिखते पक जाओ बराबर वाला। तो, 14, 14, 14, 14 वाला वाला तो तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या है? 120 degree. वाला क्या है? 120 degree. तो 120 degree पे एक लाइन बनाओ ये नाइनटी और ये थर्टी बनेगा बराबर ये हो गया आपका वन ट्वेंटी डिग्री यहां पे पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है y। अगर ये वन ट्वेंटी है अच्छा परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दो इसको एम बोल दो अगर अगर ये 120 है तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा और ये कितना बचेगा 30 बचेगा 30 पता है 60 पता है ये 90। 30 पता है 60 पता है और ये कितना है 90 है तो तो तो, तो, तो देखो क्या होगा देखो 30 के सामने वाला दैट इज लेम थर्टी के सामने वाला हाफ होता है हाइपोडेनस का हाइपोडेनस वन है एंड 60 के सामने वाला 60 के सामने वाला रूट थ्री बाय टू होता है 60 के सामने वाला रूट थ्री अपॉन टू होता है तो वो मैंने रूट थ्री अपॉन टू लिख दिया लेंथ ऑफ ओ एम हो गया और लेंथ ऑफ पीएम हो गया इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे पॉइंट पी कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी कौन से क्वाड्रेंट में है थर्ड क्वाड्रेंट में और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स निगेटिव आएगा निगेटिव किसका लेंथ ऑफ ओ एम का

ये 180 और 45 ये बना लिया मैंने पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्सकॉमा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इसके बाद क्या करना है पॉइंट पी से हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर करना है इसको बोल दिया अगर ये पूरा का पूरा 225 डिग्री है तो ये छोटू वाला कितना रहेगा ये छोटू वाला कितना रहेगा फोर्टी फाइव रहेगा ये अगर फोर्टी फाइव है तो ये भी फोर्टी फाइव ट्राइंगल क्या बनेगा ट्राइंगल 45, 45, 90 डिग्री बनेगा मतलब लेंथ ऑफ ओ एम लेंथ ऑफ़ जो है विल सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है किसका लेंथ ऑफ ओ एम का एंड वाई आपका पॉजिटिव होता है किसका लेंथ ऑफ पी एम का तो एक्स मिल जाएगा आपको माइनस लेंथ ऑफ ओ एम बोले तो वन अपॉन रूट टू एंड वाई इज प्लस वन अपॉन रूट टू एक्स पता है वाई पता है आगे मेरी जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन माइनस टू फोर्टी डिग्री माइनस टू फोर्टी डिग्री ये वन एटी बनाया वन एटी माइनस क्लॉकवाइज ना तो माइनस वन एटी हो गया और कितना सिक्सटी बढ़ना पड़ेगा और सिक्सटी बढ़ना पड़ा. ये बढ़ गया पॉइंट पी आ गया जिसका x कॉमा वाई हो गया अब पॉइंट पी से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी बना लिया अगर यह पूरा 240 है अगर यह पूरा 240 है तो छोटू कितना रहेगा 60 रहेगा ये कितना 30 इसको बोल दिया m बराबर तो लेंथ ऑफ ओ एम क्या ओ एम थर्टी के सामने वाला हाफ ऑफ हाइपोटेनस हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा हाइपोटेनस की वैल्यू वन है एंड लेंथ ऑफ पी एम एंड लेंथ ऑफ पी एम पी के सामने वाला जो कि रूट थ्री बाय टू आएगा पॉइंट पी है किधर पॉइंट पी है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी है कहां पे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्स आई थिंक नेगेटिव आएगा लेंथ ऑफ ओ एम का दैट इज माइनस ऑफ एंड वाई आई थिंक आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा विच इज रूट थ्री अपॉइंटू एक्स पता है आगे आप खुद से कर लोगे क्या साइन थे माइनस रूट थ्री बाकी तीन को उल्टा कर देने का आंसर हो जाएगा अगला आता है माइनस टू सेवेंटी डिग्री माइनस टू सेवेंटी डिग्री टू सेवेंटी लिखो चाहे माइनस टू सेवेंटी बात है डायरेक्शन बता दिए हो ठीक है ये ये लाइन आएगा ना ये लाइन जो ऑलरेडी बना हुआ है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई बोलते हैं कहां पे है पॉइंट पी एग्जैक्टली है कहां इट इज ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव इट इज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बच्चों ये वन ना अगर पॉजिटिव आई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू जीरो रहेगी एंड वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ ना ऊपर की तरफ न, पॉजिटिव रहेगा x पता है y पता है साइन थीटा क्या आएगा y आएगा दैट इज वन कॉस थीटा क्या आएगा x आएगा दैट इज जीरो टेन थीटा क्या आएगा y अपॉन एक्स दैट इज वन अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड इन्हीं तीनों को उल्टा कर देने का कोसेक थीटा क्या आएगा कोसेक थीटा आपका आएगा वन सेक थीटा आपका आएगा नॉट डिफाइंड एंड थीटा आपका हो जाएगा जीरो थीटा आएगा आपका जीरो ठीक है चलो नेक्स्ट देखते माइनस थ्री हंड्रेड एंड माइनस थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्री बनाओ ये टू सेवेंटी हो गया और कितना बढ़ना पड़ेगा फोर्टी फाइव आगे बढ़ना पड़ेगा लो बढ़ गया तो ये बना दिया ये पॉइंट पी आ गया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई माइनस थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन बराबर ये ये छोटू वाला एंगल कितना 45 डिग्री इसके बाद करेंगे क्या पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये आ जाएगा एम ये 45 ये 90 ये कितना ये कितना ये कितना 45 डिग्री ये कितना 45 डिग्री फिर ट्राइंगल हो जाएगा 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल अगर 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल है तो लेंथ ऑफ़ इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ पी एम विच इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू टाइम्स ऑफ हाइपोडेनस हाइपोडेनस की वैल्यू वन वन बाय रूट टू इन वन विच इज वन बाय रूट टू एक्स भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पॉइंट पी कहां पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट पी कहां पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा किसका पॉजिटिव लेंथ ऑफ ओ एम का वाई भी पॉजिटिव रहेगा किसका लेंथ ऑफ पी एम का बराबर तो दोनों की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय रूट टू एंड वाई पता है साइन थीटा क्या होता है वाई होता है दैट विल बी वन बाय रूट टू कॉस थीटा क्या होता है एक्स होता है दैट विल बी वन बाय रूट टू टेन थीटा क्या होता है वाई अपॉन एक्स होता है वाई अपॉन एक्स कैंसिल होके वन बस अब क्या अब बाकी तीन तो डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करके आते हैं साइन वन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर हम? देखो हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है भले कहीं कहीं ऐसा लिख दिया है सॉल्व बराबर ऐसा लिख दिया है सॉल्व ठीक है लेकिन फिर भी हर एक क्वेश्चन पूरा, पूरा का पूरा कवर किया है ऐसा बीच में नहीं छोड़ दिया हा होमवर्क है कुछ डाउट होता है तो करोगे कैसे बराबर कुछ बच्चे अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना टोटली तो डाउट्स कहां से पूछेंगे इसलिए तो पूरा का पूरा क्लियर ही करा दिया डाउट्स आना ही नहीं बनता किया है।, तो है ना चलो क्वेश्चन है स्टेट दी साइंस ऑफ ये तीनों का साइन साइन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए इनको, इनको क्या चाहिए पॉजिटिव है कि निगेटिव है खाली इतना बता दो इनका काम हो जाएगा तो 380 डिग्री थोड़ा सा बड़ा एंगल है अपने को आदत किसका है जीरो से लेके 360 वैसे तो टेन तक आदत जीरो से 90 था लेकिन अब 360 तक का आदत डालना पड़ेगा तो 380 380 ध्यान देना अब आप, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 360 प्लस समथिंग और वो समथिंग ये दोनों ये दोनों ये क्या बोलते हैं को टर्मिनल होता है मतलब मतलब क्या 380 डिग्री को क्या लिख सकता हूं थ्री सिक्सटी प्लस ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी डिग्री की लाइन और थ्री एटी डिग्री की लाइन को टर्मिनल होती है कैसे ये देखो ये ट्वेंटी डिग्री की लाइन बनाए अब थ्री एटी बनाना थ्री एटी बनाना रहेगा थ्री सिक्सटी प्लस ट्वेंटी बराबर तो ये थ्री सिक्सटी जरूरी नहीं है कि थ्री सिक्सटी रहे वहां पर आप थ्री सिक्सटी सेवन ट्वेंटी फिर वन जीरो ऐसा रखोगे चलता है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे कोई भी एंगल रहता है ना छोटा एंगल वो छोटा एंगल यहां पे हो चाहे कहीं पे हो उसको 360 प्लस करो या 720 प्लस करो या 1080 प्लस करो सब चलेगा तो को टर्मिनल एंगल पता रहेगा ना जिसका टर्मिनल आम क्या हो सेम हो बराबर तो यहां पे 380 डिग्री थोड़ा सा बड़ा है तो 380 को मैं 360 या 720 के आसपास में लिखने की कोशिश करूंगा अभी प्लस में तो 380 डिग्री मतलब होता कितना है 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री इट मीन्स इट मीन्स 380 डिग्री एंड 20 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स मतलब एक ही दूसरे जैसे 380 का लाइन बनाओ ए 360 सिक्सटी प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी का लाइन बनाओ वही बनेगा ना तो अगर 20 वाला प्लस रहेगा 20 वाला अगर प्लस रहेगा तो 380 वाला भी प्लस रहेगा क्योंकि लाइन तो सेम है ना घुमा फिरा के समझ गए तो अपने को क्या देखना है यहाँ पे 380 एंड 20 आर कोटन मेंला एंगल 20 डिग्री कहां पे रहता है 20 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहता है देयरफॉर 20 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट बराबर 20 डिग्री फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर और में टेन पॉजिटिव रहता है देर फोर वैल्यू ऑफ टेन थ्री एटी डिग्री इज पॉजिटिव क्योंकि टेन ट्वेंटी भी पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वार्टर में सब लोग पॉजिटिव होता है तो टेन थ्री एटी कैसे निगेटिव हो सकता है ये भी पॉजिटिव रहेगा हो गया हमारा फर्स्ट वाला हो गया हमारा फर्स्ट वाला चलते सेकंड वाले के पास कौन है टू थर्टी डिग्री टू थर्टी तो नॉर्मल है टू थर्टी किस के, किस के बीच में आएगा वन एटी और टू सेवेंटी के बीच में आएगा टू थर्टी डिग्री टू थर्टी डिग्री लाइज इन बिटवीन वन एटी एंड टू सेवेंटी अगर ये 180 और 270 के बीच में है इसका मतलब 230 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट आई होप पता रहेगा ये सबको फिर भी देख लो ये देखो ये जीरो ये 90 ये 180 ये 270 और ये 360 180 और 270 के बीच का एंगल बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहता है थर्ड क्वार्टर में कॉट पॉजिटिव रहता है इसका मतलब वैल्यू ऑफ कॉट टू थर्टी डिग्री पॉजिटिव हो गया दोनों के दोनों पॉजिटिव चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास सेक ऑफ फोर सिक्सटी एट सेक ऑफ 468 डिग्री 468, 468 भी आई थिंक 360 प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा 360 डिग्री प्लस वन जीरो एट डिग्री इसका मतलब अगर मैं ऐसा लिखा ये प्लस ये करोगे तो रहा है ना अगर मैं ऐसा लिखा इसका मतलब ये है कि फोर सिक्सटी एट डिग्री एंड हंड्रेड एंड एट डिग्री आर आर को टर्मिनल एंगल्स अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है तो क्या तो इसका मतलब ये कि ये अगर पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव देगा ये अगर निगेटिव तो ये भी निगेटिव देगा देख लेते दे हैं कि कौन क्या देगा क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे सिंस 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 हंड्रेड एंड एट डिग्री लाइज इन बिटवीन नाइनटी डिग्री एंड वन एटी डिग्री ये दोनों किसके किसके बीच में नाइंटी और वन एटी के बीच में अगर नाइंटी और वन एटी के बीच में है बच्चों तो इसका मतलब है कि हंड्रेड एंड एट डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन है सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहता है इसका मतलब वैल्यू ऑफ सेक 108 या 468 डिग्री Is हमारा आंसर हो गया समझ गया समझ हर एक बच्चे को ट्रिको का बेसिक क्लियर होगा हर एक क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया है ताकि होमवर्क में अगर कुछ डाउट होता भी है होमवर्क दे दिया होता तो, तो डाउट का प्रॉब्लम हो जाता इसीलिए हर एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा कवर किया आई होप आप हर एक बच्चे को अच्छे से ट्रिगो का बेसिक क्लियर हुआ इसी हिसाब से हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे अपना प्यार बताने के लिए वहां पे देखो लाइक बटन है उसको जरूर दबाओ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय